कैमरा चालू है। हाँ भाई। तो नमस्कार भाई और बहनों, मैं हूँ रमेश पत्रकार और आप देख रहे हैं कब तक न्यूज। आज मैं आपको जिस सेलिब्रिटी से मिलाने जा रहा हूँ उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें कोई जानता ही नहीं है। वैसे तो मुझे कहीं और जाना था लेकिन पता है उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें एक बीड़ी का बंडल मिलेगा। क्या? और वो भी साबुत। ओह माय गॉड। तो आज हमारे साथ है MBBS चायवाला। तो भाई साहब, आपने क्या सोच के चाय का ठेला चालू किया? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब, इट्स नॉट अ ठेला, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ फ्रेंचाइज। हाँ हाँ, वही फ्रेंच फ्राइज। आप अपना स्टोरी बताइए ना। वैसे तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनना था। मेरे पाप ने गधे की तरह मेहनत करके कैसे कैसे करके मुझे एक MBBS कॉलेज में एडमिशन दिलाया। लेकिन जब मेरे बाप ने अपने खून पसीने की कमाई मेरी फीस भरने में फूंक दी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पैशन तो कुछ और है। मेरा पैशन तो चाय का बिजनेस करना है। फिर ये बात मैंने अपने पापा को बताई। फिर क्या, उन्होंने मुझे 10-12 कोड़े मारे और मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक चाय की टपरी, चाय का बिजनेस चालू करूंगा। आज पता है मैं महीने के कितने कमाता हूँ? कितने भाई साहब? पूरे 5। 5? 5? पूरे 500 रुपए पर महीने। अरे बाप रे, इतने में तो 10 बीड़ी के बंडल आ जाएंगे। ये देखो, ये हमारे यहाँ की स्पेशल चाय है जिसे मैंने जर्मन से इंपोर्ट करवाया है। इसका नाम है स्पेशल डी मिड इग्वेरगेज मैर्क। ये लीजिए, टेस्ट करके बताइए कैसा है। ये तो अदरक वाली चाहिए, इसमें अलग क्या है? अरे यही तो इसकी स्पेशलिटी है, क्योंकि इसको मैंने स्पेशल जर्मन से इंपोर्ट करवाया है, इसलिए इतनी महंगी भी है। वैसे कितने की है चाय? ये पूरे 10 लाख रुपए की। 10 लाख? साले तेरे बाप ने भी कभी 10 लाख रुपए देखे क्या? 10 रुपए की मिलती है चाय रामू काका के इधर पे। आया 10 लाख, साले रोजमर्रा की चीजों को एकदम फिरंगी वाले नाम दे तो उनका प्राइस बढ़ा देते। आया 10 वाला। सुरेश, आज से कोई बीड़ी के बंडल का लालच देना आने का नहीं है।